दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड का हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। देखिए, किसी भी एम्प्लॉय के या किसी भी बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति हो, कमाई करना या एम्प्लॉयमेंट लेना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। अब जब हम एक अर्निंग मेंबर बन गए, चाहे किसी भी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या डेली वर्कर है या बिजनेसमैन है, तो उस पैसे को कैसे हैंडल करना है, कैसा यूज करना है, ताकि हम उससे और फायदा उठा सकें और बहुत कम मेहनत से फायदा उठाया जा सकता है। तो आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। पहला बात, लोग क्रेडिट कार्ड लेने से परहेज करते हैं कुछ लोग, तो यहां पे मैं बताना चाहता हूं, डू नॉट हेजिटेट टू टेक ए क्रेडिट कार्ड। हेजिटेशन का कारण क्या रहता है? एक तो रहता है कि जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हमको देना पड़ेगा, वो पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का डरते हैं। दूसरा डर है कि क्रेडिट कार्ड है, हमारी लिमिट 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, डिपेंडिंग अपॉन आवर सैलरी, हमारी जो मंथली इनकम है तो उसके हिसाब से जो बैंक अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं उसी के हिसाब से लिमिट रखते हैं। तो सैलरी के हिसाब से लिमिट ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा सैलरी है ज़्यादा लिमिट रहेगी, हमारी इनकम कम है तो कम लिमिट रहेगी, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तो वो जो लिमिट दिया है आपको, तो लोग ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो यहाँ पे डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, कि मन में डिसिप्लिन रखना है कि यदि मेरे पास क्रेडिट कार्ड ना होता तो क्या मैं ये सामान खरीदता, क्या मैं ये खर्च करता। बस एक ही बहुत ही सिंपल मापदंड है, जब कोई भी एक्सपेंडिचर या खर्च करने की बात आए, कोई भी शॉपिंग या कोई भी खरीदारी करने की बात आए, तो मन में बैकग्राउंड में सोच लेना कि यदि मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड ना होता तो जो मेरे पास कैश पैसा है या हमारे एटीएम में जो पैसा है, तो क्या मैं उस पैसे को इस जगह खर्च करता। यदि हाँ, तो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड से आप खर्च करिए, बिल्कुल हेजिटेट करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही डिसिप्लिन मेंटेन करना है, राइट। दूसरा बात, व्हाई क्रेडिट कार्ड। तो जो डर है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा और ज़्यादा हमसे खर्च हो जाएगा, तो ज़्यादा खर्च हो जाएगा उसका डिसिप्लिन तो हमने बता दिया, कि आप बिल्कुल इसी मापदंड से चुनो कि यदि मेरे पास क्रेडिट कार्ड ना होता तो मैं ये पैसा खर्च करता कि ना खर्च करता। यदि हाँ तो क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, यदि ना तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं यूज करेंगे, कोई भी कार्ड नहीं यूज करेंगे। अगर यदि वो हमारा जरूरी चीज़ नहीं है, क्रेडिट कार्ड ना होता तो मैं उसको ना खरीदता, तो उसको हम नहीं खरीदेंगे, बस इतना ही डिसिप्लिन है। और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के बारे में आगे आपको बताऊंगा उसके बारे में। दूसरा जो बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड का, हैंड्स ऑन मनी। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी लिमिट के हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड का लिमिट 2 लाख दे दिया, 1.5 लाख दे दिया, 2.5 लाख दे दिया या 3 लाख दे दिया, तो ये हैंड्स ऑन मनी है, आपके पास रिजर्व 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जो लिमिट है उतना पैसा आपके हाथ में है, इंटरेस्ट फ्री है। इसके लिए बैंक आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, कोई भी ब्याज नहीं लेगा, इट इज ए इंटरेस्ट फ्री मनी इन योर हैंड। और जब आप क्रेडिट कार्ड से अपना पैसा खर्च करते हो तो उसको पे करने के लिए एवरेज 1 मंथ और थोड़ा कभी कभी ज़्यादा, कभी 2-4 दिन, 10 दिन कम, डिपेंडिंग अपॉन योर बिलिंग डेट, जो हमारा हर महीने एक डेट डिसाइड हो जाता है क्रेडिट कार्ड इशू करने के बाद, उस बिलिंग डेट के अगर 2 दिन पहले खर्च कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 दिन बाद बिलिंग होगी, तो उसी बिलिंग साइकिल में
आपको पे करना पड़ेगा, तभी कम से कम 10-15 दिन का तो गैप रहता ही रहता है, मैक्सिमम 40 दिन का गैप रहेगा पे करने के लिए, और मिनिमम 10 डेज मान लीजिए कि 10 डेज तो गैप रहेगा ही रहेगा। इससे जल्दी नहीं रहेगा कि आज खर्च किए तो 2 दिन के बाद जमा करना है, अगर इमिडिएटली बिलिंग 2 दिन के बाद हुई तो भी 10 दिन का टाइम बैंक देता है। देन नेक्स्ट बात, ये हैंड्स ऑन मनी है, सो इसका यूज क्या है कि सपोज करो इमरजेंसी है, ऐसा एक्सपेंडिचर आ गया जिसको हमें खर्च करना जरूरी है। कभी कभी ऐसे भी एक्सपेंडिचर आते हैं, जैसे सपोज करो इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं हमको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट लेना है या घर के मेंबर को दिलाना है, जिसका हमारे पास रेलवे हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कवरेज नहीं है या वो सुविधा नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक में पैसा एक बार नहीं है तो भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे को दे करके, क्योंकि ये बहुत ही इमरजेंसी और जरूरी खर्च है तो यहाँ हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड से बिल पे करो और बाद में आपको जो टाइम मिलेगा उस टाइम में आप मैनेज करके उसको पेमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट बात, डबल बेनिफिट्स। ये जो डबल बेनिफिट्स क्या है, ये डबल बेनिफिट आप इस तरह से देखिए कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेमेंट करते हो, चाहे शॉप में दुकान में आप पेमेंट करते हो, हॉस्पिटल में पेमेंट करते हो, या ऑनलाइन कोई ज़रूरी चीज़ परचेज करते हो वहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, तो बैंक प्रोत्साहन के लिए फॉर इनकरेजिंग द कस्टमर दे विल गिव यू रिवार्ड पॉइंट्स। तो इट डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक, और एक ही बैंक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं। SBI का ही कुछ कार्ड ऐसे है 100 रुपये पे 2 पॉइंट देता है, कुछ कार्ड है 100 रुपये पे 5 पॉइंट देता है, कुछ कार्ड है 100 रुपये पे 10 पॉइंट भी देता है रिवार्ड पॉइंट। इस रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू SBI में 4 पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपये के बराबर है। तो सपोज करो, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि हमारा LIC का इंश्योरेंस का प्रीमियम सपोज करो 50,000 है, 50,000। अब ये तो देना ही देना है हमको, हमारे पास कहीं बैंक में हो कहीं से हो, तो इसको यदि मैं क्रेडिट कार्ड से देता हूँ तो हमको क्या बेनिफिट होगा। 50,000 रुपये हम अपने पॉलिसी का प्रीमियम हमने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन में पेमेंट कर दिया, और जो भी बैंक का रूल होगा 100 रुपये पे 2 रुपये, तो आपको उस हिसाब से कम 1,000 रिवार्ड पॉइंट दे दिया बैंक ने। इस 1,000 रिवार्ड पॉइंट को आप कभी भी इनकैश कर सकते हैं, जस्ट उसके कस्टमर केयर को मेल लिख के, नहीं तो डायरेक्ट फोन करके कि भाई हमारे अकाउंट में 1,000 रिवार्ड पॉइंट है, या एक पूरे साल का भी इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पर एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ कि बार बार अपने रिवार्ड पॉइंट को इनकैश करने के लिए हमें नहीं कहना चाहिए, क्यों, हर बार कुछ लगभग 100 रुपया उनका प्रोसेसिंग चार्ज है हमारे पॉइंट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, वो कैश हमारे जो हमने एक्सपेंडिचर किया उसमें वो ऐड हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो बार बार जैसे मान लीजिए आप हर 2 महीने पे कॉल करके अपना रिवार्ड पॉइंट को इनकैश करते हैं तो नहीं करना चाहिए, एवरेज 1 ईयर का रखना चाहिए कि साल में लास्ट में मान लीजिए हमारे अकाउंट में 80,000 रिवार्ड पॉइंट इकट्ठे हो गए, जो हमारे जरूरी खर्च है वो पूरा का पूरा मैं ATM कार्ड से नहीं खर्च कर रहा हूँ, कैश नहीं दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ कार्ड से फैसिलिटी है पूरा कार्ड से पे कर रहा हूँ, और लास्ट में हमको 80,000 रिवार्ड पॉइंट आ गए हैं। एवरेज मेरा फालतू खर्च नहीं रहता, जरूरी खर्च मैं करता हूँ, मुझे 80,000 से लेकर 90,000 रिवार्ड पॉइंट तक साल में आ जाता है क्रेडिट कार्ड यूज करने से। तो मैं उसी को बेस मान के आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि 80,000 रिवार्ड पॉइंट है तो साल के अंत में आप एवरेज उसका, क्योंकि लाइफ जो है आज आपने परचेज किया तो आज जो रिवार्ड पॉइंट है इसका लाइफ मिनिमम 1 ईयर रहता है, इसलिए साल का रखेंगे तो हमारा पॉइंट्स भी लैप्स नहीं होगा। तो 1 साल होने पे 80,000, 90,000 या 60,000 जो भी रिवार्ड पॉइंट आए, आप कस्टमर केयर को साल में एक बार कॉल करिए लास्ट में कि हमारे जितने टोटल रिवार्ड पॉइंट है आप उसको इनकैश कर दीजिए,
तो सिंपल प्रोसीजर है, वो आपसे कंफर्म करेगा कि आप सही आदमी बोल रहे हैं। जो भी प्रोसीजर है, बहुत सारे आप लोग जानते होंगे कैसे होता है, कस्टमर केयर कैसे कंफर्म करता है, आपका पैन नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, वेरीफाई करके आपका इनकैश कर देगा और वो पैसा आपके डेबिट कार्ड का जो एक्सपेंडिचर है उसमें वो ऐड हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो बिल के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाता है। तो आप सोचो, अगर एवरेज 80,000 पॉइंट रिवार्ड पॉइंट है तो आपको कितना पैसा मिला है, 20,000 रुपया इनकैश करने पर। और ये एनुअल जो चार्जेस, जो हमारे मन में डर है, मान लो एक अच्छा वाले जो कार्ड है, अच्छे कार्ड है, मैक्सिमम 5,000 पर ईयर उनका मेंटेनेंस चार्ज है। कुछ छोटे मोटे कार्ड है एसबीआई के जिसका 500 भी है एनुअल चार्जेस। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद है, कोई भी चूज कर लीजिए, सब में फायदा है। 5,000 एनुअल मेंटेनेंस वाला भी मैंने चूज किया तो हमको 20,000 रुपया 25,000 रुपया रिवार्ड पॉइंट से आ रहा है। तो यहाँ पे वो 5,000 का तो निगलेक्ट हो गया, तो उसकी बात अलग है। एक और बेनिफिट है, वो डबल बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि छोटी बात है, बहुत सारे लोग ये छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं तो आप लोगों के बताना चाहता हूँ कि जो काम हम कर ही रहे हैं तो साथ में उसको एक तरीका चेंज करके करेंगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते समय, तो मैंने यूज करके ही सीखा है इसलिए आपको बता रहे हैं, कि आप डायरेक्ट अपने इंटरनेट बैंकिंग से या चेक से पेमेंट मत करिए। तो फिर कहाँ से पे करना है, हमारे पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, जो हमारे बैंक में पैसा है वही जाएगा। लेकिन उसका बेनिफिट देखिए, एसबीआई का पर्टिकुलर एग्जांपल मैं देता हूँ जिसको मैंने यूज किया है, कर रहा हूँ। एसबीआई के एटीएम कार्ड से ऑनलाइन में आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करिए, उसका सिस्टम है। आप पेटीएम के जाके वेबसाइट से पे कर सकते हैं कार्ड का पर्टिकुलर डाल के, या दूसरी कोई भी वेबसाइट जो आपको पसंद है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एसबीआई अपना जो डेबिट कार्ड ऑनलाइन हम यूज करते हैं, परचेज करते हैं, ऑफलाइन में यूज करते हैं, दुकान में जब डेबिट कार्ड से पे करते हैं तो बहुत कम पॉइंट मिलता है, और जब ऑनलाइन यूज करते हैं इस क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए, हम डेबिट कार्ड को ऑनलाइन यूज करेंगे तो यहाँ भी रिवार्ड पॉइंट इकट्ठा होता है। एसबीआई का पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो जब ये ऑनलाइन, अब क्रेडिट कार्ड का अलग हमको पॉइंट मिला है, और एटीएम कार्ड का ये बैंक अकाउंट में आपका साइड में दिखाता है एसबीआई रिवार्ड पॉइंट्स कितने इकट्ठे हो गए, वहाँ भी आप साल 6 महीने इकट्ठा कर लो। इस डेबिट कार्ड वाले रिवार्ड पॉइंट का इनकैशमेंट सिस्टम नहीं है। इसका यूज क्या है, फ्लाइट टिकट बुक करने में, मान लो इमरजेंसी में जा रहे, हमारे पास रिवार्ड पॉइंट है 8,000-10,000 पॉइंट है, इमरजेंसी में जा रहे हैं, हमने पास नहीं लिया है रेलवे का, या कोई दूसरे लोग हैं जिनको पास नहीं मिलता है, उस रिवार्ड पॉइंट से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, तो वो आपकी यात्रा फ्री में हो गई रिवार्ड पॉइंट से। दूसरा, ऑनलाइन परचेजिंग के लिए देता है, घर के लिए बेड शीट, किचन के लिए बर्तन, जो यूजफुल आइटम है वो रिवार्ड पॉइंट से खरीदने के लिए उसी एसबीआई के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला डबल बेनिफिट, क्रेडिट कार्ड का आपने रिवार्ड पॉइंट लिया, उसको सीधा इनकैश कर दिया, बिल में जमा हो गया, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड का बिल, तो जो डेबिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट इकट्ठा हुए उससे हम फ्लाइट टिकट या कोई दूसरी जर्नी के जो भी अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे, या घर के यूज के लिए कोई भी बेडशीट या किचन से संबंधित यूजफुल यूटेंसिल्स या कुछ भी खरीद सकते हैं। तो इसलिए मैंने उसका नाम दिया है डबल बेनिफिट। तीसरा पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस किए, नो वरीज फॉर ओकेजनल एक्सपेंडिचर्स। एक एग्जांपल हमने दिया था हॉस्पिटलाइजेशन का, कि हमको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना है, हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, बैंक कौन जाएगा विड्रॉ करने के लिए, क्रेडिट कार्ड रेडीमेड है, जितना लिमिट है आप उतना यूज कर सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन है। लेकिन डिसिप्लिन मन में याद रखना है कि यदि क्रेडिट कार्ड ना होता तो क्या मैं ये पैसा खर्च करता, वो डिसिप्लिन के साथ रहने से कभी भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। देन चौथी बात, क्रेडिट स्कोर, ये बहुत ही बड़ा हिडन बेनिफिट है। जैसे आप हाउसिंग लोन लेते हो तो हाउसिंग लोन का जो ईएमआई है हम रेगुलर और इन टाइम पेमेंट कर रहे हैं, तो उससे हमारा सिविल स्कोर बोलते हैं सीआईबीआईएल, सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहता है, इससे
यदि हम दूसरा फिर कोई एजुकेशन लोन या हाउसिंग लोन लेंगे तो हमको ब्याज दर कम देनी पड़ेगी, यानी बैंक जिसका सिविल स्कोर 800 के ऊपर है, अच्छा है, तो उसको जो भी लोन लेगा, वो कोई भी लोन लेगा, उसको आसानी से देगा और थोड़ा रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट पे देगा, कम ब्याज दर पे देगा, तो आप एक बेनिफिट वो है सिविल स्कोर का। दूसरा, अब आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, उसका जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट के आप एक दिन दो दिन पहले पेमेंट कर दो या एटलीस्ट ड्यू डेट पे आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। जैसा हमने सिस्टम बताया, आप पेटीएम या किसी और भी जितने भी मोबाइल ऐप हैं वहाँ पे जाओ, क्रेडिट कार्ड का पर्टिकुलर्स डालो और डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, तो डेबिट कार्ड का भी पॉइंट आएगा, इन टाइम आपको पेमेंट हो जाएगा और आप टाइमली पे कर रहे हैं अपना क्रेडिट कार्ड का, रेगुलर यूज कर रहे हैं, जो घर का खर्च है उसको यूज कर रहे हैं, जरूरी खर्च, तो आपका क्रेडिट स्कोर और बढ़ेगा। एक तरह से जैसे हाउसिंग लोन को भरते हैं तो बढ़ता है, उसी तरह क्रेडिट कार्ड का जो बिल भरेंगे उससे भी हमारा क्रेडिट कार्ड क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर बढ़ेगा और हमको दूसरे किसी भी लोन की जरूरत पड़ेगी, चाहे दूसरा घर के लिए आपने हाउसिंग लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बात है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ऑलरेडी मैं शुरू से उस बात पर जोर दे रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड लेने में और यूज करने में बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो आप जानते हैं, सपोज करो आपने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, यदि आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते, स्टडी की प्रिपरेशन नहीं करते, तो क्या होगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कार की ड्राइविंग हो, टू व्हीलर की ड्राइविंग हो, या जो हमारे लोको पायलट ट्रेन चला रहे हैं, या हमारे स्टेशन मास्टर जो दिन रात ड्यूटी कर रहे स्टेशन में, गार्ड जो ट्रेन मैनेजर्स है वो ड्यूटी कर रहे हैं ब्रेक बैंड में, SLR में, कोई भी व्यक्ति हो, रेलवे के बाहर के हो, डिसिप्लिन तो हर जगह मेंटेन करनी पड़ती है, नहीं तो कहीं भी दुर्घटना हो जाएगी। सिंपली क्रेडिट कार्ड के लिए भी वही डिसिप्लिन की आवश्यकता है, टाइमली आप पेमेंट करना है और वही खर्च करना है जिसको आप क्रेडिट कार्ड ना रहने पे जरूर खर्च करते या इमरजेंसी यूज के लिए खर्च करेंगे, जरूरी खर्च के लिए करेंगे। तो दीज आर द बेनिफिट्स, क्रेडिट कार्ड वर्सेज डेबिट कार्ड, रखना दोनों है, यूज करना है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करो डेबिट कार्ड से, सिंपल दो शब्दों में मैं इसका पूरा निचोड़ आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल का नाम है सरस ओझा, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।